वेलकम टू माय चैनल लर्न विद एसडी। दोस्तों, आज जो एसएससी सीएल 2017 का टायर वन का पेपर जो फर्स्ट शिफ्ट में हुआ है, उसका मैं पेपर एनालिसिस बता रहा हूँ। अप्रोक्सीमेट जैसे कुछ फ्रेंड्स मिले थे जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है, तो उसका पेपर एनालिसिस मैं बता रहा हूँ। किस टाइप्स के क्वेश्चंस और कौन कौन से क्वेश्चन आए थे, क्वेश्चन का पैटर्न कैसा था, कैसे इजी टॉपिक्स आए हुए थे और उसका फुल डिटेल्स एक्सप्लेनेशन, और कितने आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे ताकि आप उसको क्वालिफाई कर सकते हैं। तो देर नहीं करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, जो फ्रेंड्स एसएससी सीजीएल 2017 जो पेपर रिव्यू के बारे में मैं बताने जा रहा हूँ, इसमें क्या था कि 5 अगस्त को जो मॉर्निंग शिफ्ट के पेपर के बारे में बताने जा रहा हूँ। जो मॉर्निंग शिफ्ट की पेपर थी, मैथ में 25 क्वेश्चन थे, रीजनिंग में भी 25 क्वेश्चन थे, उसी तरह इंग्लिश में भी 25 क्वेश्चन थे और जनरल अवेयरनेस में भी 25 क्वेश्चन थे। और लेवल की बात करें तो जो मैथ का क्वेश्चन था वो मीडियम क्वेश्चन था, मतलब एकदम सिंपल क्वेश्चंस नहीं थे, मॉडरेट लेवल के मीडियम क्वेश्चन थे। आपके पास अगर कॉन्सेप्ट और लॉजिक होता तो आप क्वेश्चंस को आसानी से 23 से 24 क्वेश्चंस आसानी बना सकते थे। जो रीजनिंग का क्वेश्चन थे वो बहुत ही ईजी क्वेश्चन थे, आप रीजनिंग अगर अच्छे से कम्प्लीट किए थे तो आप आसानी से 25 क्वेश्चन में से 24 क्वेश्चन आसानी से बना सकते थे। जो इंग्लिश का पैटर्न था वो भी इंग्लिश का पैटर्न भी ईजी था, अगर आप इंग्लिश आती थी, आप थोड़े से भी कॉन्सेप्चुअल नॉलेज था आपको, अगर आपका ग्रामर पार्ट थोड़ी सी भी अच्छी थी, अगर आपके पास फीलिंग्स मतलब अंडरस्टैंडिंग की लेवल की क्षमता है, तो आप आसानी से भी इंग्लिश पोर्शन को भी कंप्लीट कर सकते हो। जो जनरल अवेयरनेस की पोर्शन थी, इसमें मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन थे, मतलब ये एकदम सिंपल भी क्वेश्चंस नहीं थे, कुछ टाइप्स ईजी भी थे, कुछ टाइप्स मीडियम लेवल के भी थे, बट कोई भी ओवरऑल पेपर जो था एक पैटर्न अच्छा था और प्रीवियस पैटर्न पे ही पेपर बनाया गया था। तो देखो, अब हम बात करते हैं रीजनिंग में, रीजनिंग की हम बात करें तो रीजनिंग में कैसे कैसे क्वेश्चंस आए हुए थे हम उसके बारे में डिटेल जानते हैं। जो एनालॉजी टॉपिक है उससे 3 क्वेश्चंस आए हुए थे, क्लासिफिकेशन उसी में आ जाता उससे भी 3 क्वेश्चंस आए हुए थे, मिरर इमेज से ओनली 1 क्वेश्चन आए हुए थे, मिरर इमेज से 1 क्वेश्चन आए हुए थे, पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग से भी 1 क्वेश्चन आए हुए थे, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन मतलब कथन वाला जो टॉपिक्स जिसको हिंदी में बोलते हैं उससे भी 1 क्वेश्चन आए थे, अर्थमेटिक ऑपरेशन से भी 1 क्वेश्चन आए थे, सीरीज से 3 क्वेश्चन आए थे, बट सीरीज के ये तीनों क्वेश्चन मीडियम लेवल के थे, एकदम ही इजी नहीं थे कि आप डायरेक्ट आसानी से कर सको, मतलब सीरीज के क्वेश्चन 3 क्वेश्चन थे, अगर आप प्रैक्टिस किए हो तो ये भी क्वेश्चंस इजी थे, कोडिंग डिकोडिंग से 2 क्वेश्चन थे, मैट्रिक्स से 1 क्वेश्चन था, मिसिंग नंबर से 2 क्वेश्चन थे, पैटर्न कंप्लीशन की मतलब इस पैटर्न से 3 पैटर्न दिया हो तो चौथा पैटर्न किससे मैच करेगा उससे 1 क्वेश्चन थे, लॉजिक वेन डायग्राम से भी 2 क्वेश्चन थे, काउंटिंग फिगर से 1 क्वेश्चन थे, वर्ड फॉर्मेशन से 1 क्वेश्चन थे और एम्बेडेड फिगर से भी 1 क्वेश्चन थे। इस तरह से आपको 25 क्वेश्चन के सेट थे। हो सकता है किसी के मतलब सेट में कुछ इधर उधर हो सकता है, एक दो क्वेश्चन मतलब कि किसी टॉपिक से ज़्यादा हो किसी से कम हो, बट ओवरऑल पैटर्न्स के अप्रोक्स यही थे। नेक्स्ट हम बात करते हैं मैथ की, मैथ के ओवरऑल एनालिसिस के बारे में जानते हैं कि मैथ का पैटर्न कैसा था। तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन से 2 क्वेश्चन थे, मिक्सचर एंड एलिगेशन से 2 क्वेश्चन थे, पार्टनरशिप से 5 क्वेश्चन थे। ये पार्टनरशिप अगर रेशियो एंड प्रोपोर्शन आपको आता है तो पार्टनरशिप के 3 से 4 कॉन्सेप्ट होते हैं, वो आसानी से बना सकते हो। स्पीड एंड टाइम एंड डिस्टेंस से 3 क्वेश्चन थे, कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट से 2 क्वेश्चन थे, एवरेज से 2 क्वेश्चन थे, नंबर सिस्टम से भी 2 क्वेश्चन थे, मेंसुरेशन का भी 2 क्वेश्चन आया हुआ था और ये भी बहुत ही इजी लेवल का पूछा हुआ था मेंसुरेशन का क्वेश्चन, प्रॉफिट एंड लॉस से 1 क्वेश्चन थे, परसेंटेज से 2 क्वेश्चन थे, टाइम एंड वर्क से भी 1 क्वेश्चन आया हुआ था, और जो डीआई का पोर्शन था बार चार्ट उसका 1 क्वेश्चन आया था, जो कि तुम्हारा 5 क्वेश्चन उसमें मतलब 4 से 5 क्वेश्चन का सेट था, बट 1 क्वेश्चन डीआई का भी आया हुआ था। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं इंग्लिश पोर्शंस की, इंग्लिश पोर्शन से कहां कहां से क्वेश्चन आए हुए थे, तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से 3 क्वेश्चन थे, सेंटेंस इंप्रूवमेंट से भी 3 क्वेश्चन थे, आइटम्स एंड फ्रेज से 2 क्वेश्चन थे, इरर स्पॉटिंग से भी 3 क्वेश्चन थे, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से 1 क्वेश्चन थे, और वो 1 क्वेश्चन तो 1 था बट उसमें 5 क्वेश्चन थे, ठीक है, पारा जंबल से भी 3 क्वेश्चन थे, क्लोज टेस्ट 1 क्वेश्चन आया हुआ था उसमें 5 क्वेश्चन थे, तो इस तरह से पैटर्न था, और स्पेलिंग इरर्स उसी में 1 क्वेश्चन था, ठीक है। तो इस तरह से आप 25 क्वेश्चन इंग्लिश के थे और ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन थे, जिसने भी मेरे फ्रेंड्स कुछ दिए थे उनको बहुत ही इंग्लिश पोर्शन ईजी था वो बोल रहे थे, अकॉर्डिंग टू उनके अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ आपको। जो जनरल अवेयरनेस का कंप्लीशन था वो केमिस्ट्री में 2 से 3 क्वेश्चन था, हिस्ट्री में 3 से 4 क्वेश्चन था, फिजिक्स और बायोलॉजी मिला के 2 से 3 क्वेश्चन था,
ज्योग्राफी से भी 3 से 4 क्वेश्चन थे, कंप्यूटर से भी 2 क्वेश्चन थे, इकोनॉमी से भी 3 क्वेश्चन, इकोलॉजी से 3 क्वेश्चन थे, इकोनॉमी से 1 क्वेश्चन था और इंडियन पॉलिटी से भी 3 से 4 क्वेश्चन थे। तो ये था आपका ओवरऑल पैटर्न, क्वेश्चन कौन से टॉपिक से कितने आए हुए थे। अब हम बात करते हैं कि आप सेफ जोन में हैं कि नहीं। ओवरऑल एनालिसिस, ओवरऑल एनालिसिस का मतलब अगर आप रीजनिंग 20 से 21 क्वेश्चन बनाते हैं तो आप आसानी से उसको क्वालिफाई कर सकते हैं, मतलब स्क्रोर कर सकते थे यहाँ से। 80 मैथ में 18 से 22 क्वेश्चन बना सकते थे, इंग्लिश में अगर 18 से 20 बना लिए हैं और जनरल अवेयरनेस में 8 से 22 क्वेश्चंस, मतलब ओवरऑल अगर किसी में कम और किसी में ज़्यादा बना सकते हैं, अगर इतना इतना आप बना के आए हैं, ओवरऑल करेक्ट आंसर भी बनाए हैं तो आपका सेफ जोन में है, आप सेफ जोन में है, यानी कि आप टीयर 2 के लिए भी क्वालिफाई हो सकते हैं। तो ये था ओवरऑल एनालिसिस। अगर जैसे ही मेरे को क्वेश्चन पेपर मिलता है, क्वेश्चन के पैटर्न मिलते हैं, तो मैं आपको क्वेश्चंस भी दिखाऊंगा कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए थे मॉर्निंग शिफ्ट में। तो बने रहें, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक कर लें, साथ ही साथ सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि मैं आपको ऐसे ही अपडेट लाता रहूं। अभी जल्द मैं आपको लाऊंगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन कौन कौन से आए हुए थे। अब जैसे ही मेरे को पेपर्स के सेट मिलते हैं, पैटर्न मिलते हैं, तो मैं आपको क्वेश्चन भी करा के दिखाऊंगा। तब तक के लिए बने रहें मेरे चैनल पर और ऐसे ही मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करता रहूँगा। थैंक यू, बाय बाय।